दोस्तों टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट में आप लोगों ने हमेशा से हम लोगों से एक्सपेक्ट किया है कि अपर डीआरएल कब लोग आप चेंज करने वाले हो। सो आज आप लोगों की ख्वाहिश के दौरान हम लोग लेकर आ चुके हैं टाटा पंच के अपर डीआरएल्स, जो सिर्फ प्लग एंड प्ले होते हैं। इस तरीके से सिर्फ उसको स्क्रू वगैरह होते हैं वो खोल देने होते हैं, और मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसे टाटा के जेन्युइन भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा का जेन्युइन बॉक्स, हम लोगों ने कस्टमर को अनबॉक्स करने के लिए दिखाया था, इसलिए सेलो टेप तो कट गई है, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टाटा के जेन्युइन ही हम लोग अपर डीआरएल इंस्टॉल करेंगे। कफलर यहाँ पे दिया हुआ है, टाटा का पार्ट नंबर भी आप चेक कर सकते हो। क्वालिटी जेन्युइन है तो परफॉर्मेंस भी जेन्युइन ही मिलने वाला है। सो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इसका परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाएंगे। सो बने रहे चैनल पर। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन वडोदरा, आई थिंक तो गुजरात हो सकता है, कि ओरिजिनल टाटा पंच में हम लोग जगदम्बा कार एसेसरीज पे अपर डीआरएल इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका परफॉर्मेंस आप लोग देखेंगे। सो बने रहे हमारी चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके जो स्टॉक डीआरएल थी, इस तरीके से सिर्फ हम लोगों ने इसको रिमूव कर लिया है, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक कफलर था आप लोगों को मैंने दिखाया था, बस कफलर को हमने प्लग किया है और डीआरएल विल बी स्टार्ट ऑन द अपर डीआरएल। यहाँ पे ऑन हो चुकी है और अपर डीआरएल की स्टार्टिंग पोजीशन भी आप चेक कर सकते हो, और बस इसको उस जगह पे ही प्लेसमेंट कर देना है। टाटा का जेन्युइन पार्ट्स है, जेन्युइन उसका ही पार्ट्स है, तो परफेक्ट उसी जगह पे यहाँ पे उसके लॉक्स वगैरह लॉक हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एसेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश, और आज फिर से एक बार टाटा पंच पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। टाटा पंच हमारे वहां वन ऑफ द बेस्ट कार है, जिसमें हम लोगों ने हर एक डिटेल में काम किया हुआ है, जैसे कि हेडलाइट्स के बल्ब अपग्रेड किए, एलॉय व्हील्स किए हैं, हर एक चीज़ मैंने आपको दिखाई कि नेक्स्ट लेवल पर हम लोग टाटा पंच को लेकर जा रहे हैं। एक दिन हमें ऐसा मौका मिलेगा कि जो टाटा पंच प्योर है उसको हम पूरा क्रिएटिव लुक पर भी ले जा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, हेडलाइट बल्ब से, फॉग लाइट से शुरुआत की थी, रूफ रेल से की थी। आज हम लोगों ने अपर डीआरएल से उसको एक अच्छा टर्न दे दिया हुआ है, जिससे कि जो कार है टाटा पंच की, चाहे एडवेंचर हो, चाहे अकम्प्लिस हो, और चाहे प्योर वेरिएंट हो, आप उसमें अपर डीआरएल लगवा सकते हो, पॉसिबल है, और कोई भी वायरिंग कट वगैरह नहीं करना पड़ता। जेन्युइन टाटा की ही हम लोग रिप्लेस करते हैं। बिफोर में आपको इसके शॉट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप आफ्टर फिटिंग आप देख सकते हो, कोई भी जगह से गैप्स वगैरह नहीं है, जैसा टाटा से कंपनी फिटेड आता है वैसे ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। इसको मैं ऑन करके ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। फॉग लाइट भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी हुई है। ये है टाटा पंच का एडवेंचर रिदम पैक वाली टाटा पंच। इसमें हेडलाइट्स में येलो स्टॉक बल्ब आते हैं, इसको रिप्लेस करके हमने वाइट किया है। फॉग लाइट हमने इंस्टॉल किए विद द वायरिंग स्विच के साथ, अपर डीआर इंस्टॉल हो चुकी है। और आफ्टर इंस्टॉलेशन डन के बाद मैं जो आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा वो आप लोग देखेंगे इस कार में। जैसे ही मैं इसके पार्किंग मोड को ऑन करता हूँ, आप लोगों के सामने है कि जो डीआरएल्स है वो टर्न ऑन हो चुकी है, और एकदम ओईएम स्टाइल से ही ये ऑन हुई हुई है। अगर आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हो तो यहाँ पे हम लोग अपर डीआरएल लगवाते हैं। हाँ ज़रूर है कि उसमें इंडिकेटर्स आते हैं,
लेकिन जो लुक्स आता है वो टॉप एंड वेरिएंट वाला ही बहुत अच्छा है। बात करना चाहेंगे फॉग लैम्प की, तो जो फॉग लैम्प हमने हम इंस्टॉल की हुई है वो भी 2-in-1 फंक्शन के साथ की है और विद द स्विच के साथ। जब भी हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो वाइट फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ही हम इसको टर्न ऑफ करके ऑन करते हैं तो इसमें जो हैलोजन येलो फंक्शन आता है वो आप लोगों को ऑफ रोडिंग में काम आता है। और इसमें जो फॉग लाइट भी, इसमें जो हेडलाइट के बल्ब इंस्टॉल हुए हैं, इसमें जो हेडलाइट के वाइट बल्ब है वो प्लग एंड प्ले हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। मेक इन इंडियन प्रोडक्ट्स RD ब्रांड के इंस्टॉल किए हुए हैं। 110 वॉट के ये बल्ब आते हैं, एक्सट्रीम पावर X100 मेड इन इंडिया के बल्ब है। 30 मंथ्स की इसमें रिप्लेसमेंट गारंटी दी हुई है, कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं कटता है, सीधा प्लग एंड प्ले कैनवस सॉकेट के साथ आता है। लेकिन इसका आप एक थ्रो चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से जो नाइट में आप लोगों को ये परफॉर्मेंस देने वाला है, और इसके अपर डीपर फंक्शन के नाइट शॉट्स भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल से भी दोस्तों आप देख सकते हो कि पंच एक ऐसी SUV टाइप कार है। अगर आप इसके बाजू में किया सोनेट को रखते हो या फिर क्रेटा को रखते हो, इस कार में एक फील तो आ ही जाता है SUV टाइप। लेकिन जब भी आप इस कार को देखते हो तो ऊपर की तरफ कुछ बाकी सा लगता है, इसलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि एक आप अच्छे वाले रूफ रेल इंस्टॉल कराओ, ताकि जो गाड़ी है साइड प्रोफाइल से परफेक्टली अच्छी एनहांस हो। इसलिए हम लोगों ने इस बार ग्लॉस ब्लैक वाले रूफ रेल इंस्टॉल किए हुए हैं। डोर वाइजर तो कंपनी ने दिए ही हुए थे क्योंकि रिदम पैक में आते हैं। हम लोगों ने एक लोअर विंडो गार्निश इंस्टॉल की हुई है। टाइप ऑफ डोर गार्ड्स हमने रिकमेंड किए कि डोर्स को पूरा प्रोटेक्ट रखे। व्हील कैप्स तो कंपनी से आती ही है, सो हमने उसमें कुछ नहीं किया। अगर आप चाहो तो इसमें पेंट प्रोटेक्शन के लिए 3M टेफ्लॉन कोटिंग करवा सकते हो, सिंथेटिक कोटिंग करवा सकते हो। हर एक चीज़ हमारे पास टाटा पंच की काफ़ी सारी अवेलेबल है, डोर साइड मोल्डिंग्स भी है। लेकिन बात करना चाहेंगे रियर प्रोफाइल ऑफ द कार की, तो ये इसकी टाटा पंच की एक बहुत ही अच्छी शान है। जो आप लोग स्पॉइलर देख रहे हो वो ABS क्वालिटी का है, ये नॉर्मल वाला स्पॉइलर नहीं। अगर आप ब्रांड कंपनी से ही इंस्टॉल करवाते हो तो 5,000 के करीब इसकी MRP है। लेकिन हमारे पास इस पर बहुत सारा डिस्काउंट मिलके ये 50% के करीब डिस्काउंट मिल जाता है। ABS क्वालिटी का है, कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ स्टिक ऑन कर देना होता है, और इससे एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और डिक्की पट्टी तो कंपनी ने ही दी हुई थी। रिफ्लेक्टर लाइट क्रोम भी हमारे पास भी कस्टमाइज ऑर्डर पर मिल जाएगा। वेलकम कप प्लेट भी हमने इस कार में इंस्टॉल किए हुए हैं, जो पंच के बैजिंग के साथ आते हैं। इस कार में भी फ्लोर लैमिनेशन मैट्स भी हमने किया हुआ है, क्योंकि हमेशा जब भी कार हमारे वहाँ आती है तो फ्लोर लैमिनेशन हम लोग रिकमेंड करते हैं। स्टीयरिंग कवर ऑल्सो डन इन द कार, आप चेक कर सकते हो उसके जिग जैक थ्रेड वर्क। साथ में हम लोगों ने एक सोनीलैक्स ब्रांड का स्टीयरिंग नॉब भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपको इजीली टर्न राइट एंड लेफ्ट करने के लिए काम आएगा। और बाकी तो रिदम पैक में सब कुछ मोस्टली दिया होता है। हम लोगों ने एक रूफ लाइट के बल्ब रिप्लेस किए हुए हैं, और आप चाहो तो हमसे आर्मरेस्ट भी लगवा सकते हो। अब बात करेंगे प्राउड ओनर ऑफ द टाटा पंच जयेश भाई से, कि उनको जो हम लोगों ने काम करके दिया और उन्होंने हमें किस तरीके से एक ट्रस्ट करके हम लोगों को एक फ़र्स्ट मौका दिया कि आपकी गाड़ी में हम लोग अपर DRL फर्स्ट टाइम लगाएंगे। एक ट्रस्ट अगर आपको हो तो हम लोग करके देंगे आपको, तो उन्होंने हमें एक मौका दिया काम करने का। थैंक यू कहेंगे उनसे, जयेश भाई थैंक यू सो मच। और बताइए व्यूवर्स को कि आपको ये काम वर्क कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा काम है आपका, और मुझे जो जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है। तो और फिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हुआ है इसका जी। और मैं 3 महीने से आपको फॉलो कर रहा था जी। लेकिन मैंने जैसे मैंने गाड़ी बुक किया थी वैसे मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे सब एसेसरीज वगैरह लगवाना है। तो मुझे तो कैसा, आप कहाँ से आए हो वैसे? मैं हालोल से आया हूँ। हालोल से सर हमारे वहाँ आए हुए हैं। हम लोग, हमारी शॉप वडोदरा में है, जगदम्बा कार एसेसरीज। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोगों को फॉरवर्ड करना और कमेंट्स करके बताना कि टाटा पंच में और क्या हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच।